ओके, 5:30 बज रहे हैं और हम लोग अपने घर हैं यहाँ से, और हमारे दोस्त फुल तैयार हैं। इंशाल्लाह खुंजराब जाके मुलाकात हो। आज का जी हमारा सफ़र है गिलगित से चाइना बॉर्डर के लिए। कल हम चित्राल से आए, शंदूर से आए थे गिलगित। आज हम इंशाल्लाह चाइना बॉर्डर की तरफ निकलेंगे। गिलगित से निकले सुबह 6 बजे और हमने नाश्ता किया गिलगित की चेरी का। बंदा गिलगित आए और गिलगित की चेरी ना खाए तो क्या फ़ायदा। लेकिन मिलती ये सिर्फ जून में ही है। लाहौर एयरपोर्ट में नहीं, 3 आदमी होते थे, 1-2 कोई नहीं पहचान था। ये है जी राकापोशी पहाड़, अल्लाह की शान है कि हर वक्त इसमें से जी हमने चेरी ली थी और चेरी को हम इंजॉय कर रहे हैं इस व्यू पॉइंट पे। राकापोशी क्रॉस करते साथ ही हमजा वैली स्टार्ट हो जाती है और ये पहला टनल है हमजा वैली का, अताबाद झील का। इसके फौरन बाद अताबाद झील, उसके बाद फिर हुसैनी ब्रिज आ जाएगा।
पहुंचे हैं जी अताबाद झील पे, और ये इसका व्यू, ये है जी अताबाद लेक। अगर आपको नज़र आ रहा है तो हुसैनी ब्रिज, इंशाल्लाह इस पर ट्रैवल करेंगे और आपको भी शो कराएंगे। आवाम का बड़ा रश है यहाँ पे, जाते हैं बस हाथ लगा के वापस आ जाते हैं। जैसे ही हुसैनी ब्रिज क्रॉस करते हैं आगे सोस का इलाका शुरू हो जाता है, और सोस के बाद फिर आगे चाइना बॉर्डर की तरफ। अच्छा, एक बात का ख्याल रखें कि ये भी जून जुलाई गर्मियों के इन दिनों में शाम 4 बजे चाइना बॉर्डर के एंट्रेंस बंद कर देते हैं। आगे चेक पोस्ट आती है, और चेक पोस्ट 4 बजे के बाद फिर अलाउ नहीं करती आपको आगे चाइना बॉर्डर जाने के लिए, क्योंकि वापस भी आना होता है। और चेक पोस्ट पे जो एंट्री फीस है वो 300 है, 300 रुपये पर पर्सन, और अगर कोई फॉरनर है तो उसके $20 वहाँ पर लिखे हुए हैं। और माशाल्लाह से इस रोड की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, VIP रोड है, मज़ा आएगा यहाँ ट्रैवल करने का। हमें तो खैर कुछ ज़्यादा ही मज़ा आया क्योंकि हम लोग बाइक्स पे थे। अच्छा, यहाँ आपको मारमोट भी मिलेंगे। अगर आप थोड़ा सा इधर उधर देखें तो आपको जो देवसाई में मारमोट है वो यहाँ पे भी आपको मिलेंगे इन बर्फ पोश पहाड़ों पे।
चाइना बेन पाकिस्तान चाइना का बॉर्डर पंजाब के दोस्तों।